जिस देश ने कुरान को फूका, जिस देश ने कुरान को फाड़ डाला, जिस देश ने कुरान को अपने पैरों के नीचे रौंदा, अब उस देश को इस्लामिक देश तुर्की अपनी गोद में जगह दे रहा है। कुरान जलाने वाले देश स्वीडन के प्रति अब दुनिया भर के इस्लामिक देश जहां गुस्से की आग में झुलस रहे हैं, जल रहे हैं, वहीं इस्लामिक देश तुर्की दोनों हाथ फैलाकर नाटो में स्वीडन का स्वागत कर रहा है। पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि तुर्की स्वीडन को नाटो में शामिल करने पर सहमत हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान की स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टेंस और नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग के साथ बैठक हुई, जिसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने स्वीडन को नाटो की सदस्यता दिए जाने पर सहमति जता दी है। यानी स्वीडन अब नाटो का हिस्सा होगा। तुर्की इससे पहले स्वीडन पर कुर्द उग्रवादियों को पना देने का आरोप लगाते हुए उसके नाटो में शामिल होने का विरोध कर रहा था। स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि ऐतिहासिक कदम है। स्वीडन का नाटो में शामिल होना एक ऐतिहासिक कदम है जो सभी नाटो सहयोगियों को मजबूत और सुरक्षित बनाएगा। मेरे द्वारा आयोजित बैठक के बाद राष्ट्रपति अर्दोगान ने स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर सहमति जताई। यह ऐतिहासिक कदम है। बता दें, नाटो के 31 सदस्यों में से एक होने के नाते तुर्की के पास किसी भी नए देश को इस गठबंधन में शामिल होने से रोकने के लिए वीटो पावर थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अब तक स्वीडन के नाटो सदस्य बनने को लेकर अड़चन पैदा करता रहा। इसी बात से गुस्से में आए स्वीडन ने न सिर्फ तुर्की का विरोध किया, पर साथ ही उसके इस्लामिक कट्टरता की भी जमकर आलोचना की। नतीजा ये हुआ कि स्वीडन में कुरान को जला दिया गया, वो भी प्रशासन की मंजूरी के बाद। नाटो की सदस्यता मिलने का रास्ता साफ होने पर स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टेंस ने खुशी जताई और कहा कि आज स्वीडन के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज से ही लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में नाटो का हाई प्रोफाइल सालाना शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर मोहर लगना तय है। स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर संगठन के अब 32 सदस्य हो जाएंगे। इससे पहले फिनलैंड को नाटो की मेंबरशिप मिली थी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद स्वीडन और फिनलैंड ने पिछले साल नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। स्वीडन के लिए अड़चन तुर्की पैदा कर रहा था, लिहाजा तुर्की का जवाब स्वीडन ने कुरान को जला कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।